हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लोहे के तवे को घर पे कैसे आसानी से साफ़ करें। तो आप देख सकते हैं तवा हमारा बहुत ही अच्छा सा चमक गया है और अभी आप देखेंगे कि तवा किस टाइप का है। देखिए, इसमें बहुत सी ऐसी मोटी सी परत सी जम गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कार्बन सा जम गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तवे का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि मुझे एक कमेंट आया था कि मैम तवे का वीडियो डालिए, क्योंकि उनका तवा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मेरे पास बीच में तवा गंदा नहीं था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल से जमने दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम से इस तरह का जम गया है। नहीं साफ़ करने के कारण इस तरह का हो जाता है, क्योंकि इसी में हम पराठे बना लेते हैं और बहुत से बच्चे लोग तो जो बाहर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसी में पराठा बना लेंगे, इसी में फिर उसके ऊपर ही रोटी बना लेंगे साफ़ नहीं करने पे। और ये जो तवा है फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा ओल्ड है, क्योंकि मुझे लगता है ये 50 ईयर से भी ज़्यादा का है, क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 50 ईयर्स का है, उससे भी ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा पुराना तवा है, बैक साइड से दिखा होगा। और ये सामने से तो आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है, अक्सर ऐसा हो जाता है। और ख़ासकर जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो इसी में सब्ज़ी, इसी में आमलेट, इसी में सब्ज़ी गर्म करना, ये सभी चीज़ें करते रहते हैं, जिसके कारण इस तरह से जम जाता है। और ये रिंग मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब चूल्हे का, तो इसी तरह का बिल्कुल कार्बन सा जम गया था, बहुत मोटी लेयर हो गई थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह से इसको साफ़ करूं, तो मैंने इसे साफ़ किया, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। गैस स्टोव का जो स्टैंड है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, इसमें व्यूज़ भी मेरे 12 लाख से ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर भी इसमें बहुत मिले मुझको, और मैं कहना चाहिए कि मुझे लाइक भी बहुत अच्छी मिले हैं, और सबसे पहली बात तो कमेंट बहुत प्यारे प्यारे किए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी मेहनत मतलब रंग लाई थी इसमें, और ये तवे का वीडियो भी मैं डाल रही हूँ इसी तरह से। तो तवे का उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा, ये बहुत इजीली आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने गैस के ऊपर तवे को रख दिया है, और अब हमें क्या करना है, गैस को फुल कर देना है, एकदम हाई फ्लेम पर रखना है, और तवे को अच्छी तरह से थोड़ा सा जलने दीजिएगा। और ये देखिए, जब तक जलना जाए ना, तब तक आप इसे साफ़ नहीं करेंगे। जब ये जलने लग जाए ये ऊपर से, देखिए इस तरह का, और इसके लेयर्स को हम नाइफ या फिर पलटन कुछ भी चीज़ से आप इस तरह से निकालते जाइए, खुरच करके इस तरह से खुरचेंगे ना, तो ये जो मतलब ऑयल की जो परत जमी है ये बहुत ही इजीली निकल जाएगी। आपको ज़्यादा ताकत लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जब जल जाता है ना, तो ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। से लोगों के दिमाग में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि इतनी गैस कौन वेस्ट करेगा भाई, गैस इतनी महंगी है। तो ये भी बात सही है फ्रेंड्स कि गैस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अगर आपको तवा साफ़ करना है तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, या फिर आप चाहे तो अगर चूल्हा जलाते हैं या फिर सिगड़ी जलाते हैं तो उस पे रख के भी आप तवे को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिएगा, जब तक कि ऊपर का जो कार्बन है ना ये अच्छी तरह से जल ना जाए, तब तक आप इसे साफ़ ना करें। जब ये अच्छे से जलने लग जाए उसके बाद में आप खुरचना इस्टार्ट कीजिए, तो आप देख सकते हैं नीचे की आपको लेयर दिखने लगी होगी, ऊपर की जो परत थी ना वो बहुत ही ईजीली निकल रही है। देखिए, से लोग इस वीडियो को देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि तवा इतना गंदा किसका होता है भाई, तवा इतना गंदा तो हो ही नहीं सकता है। ये भी बात सही है फ्रेंड्स कि तवा इतना गंदा किसी का नहीं होता है, बट ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि तवे को साफ़ नहीं कर पाते हैं, कुछ कारणवश बहुत जल्दी में रहते हैं, तो जिसके कारण तवा इस तरह का हो जाता है। और ख़ासकर ये होता है कि पराठे बनाते हैं ना, उसके बाद में उसी के ऊपर रोटी बना लेते हैं हम लोग, और फिर उसको साफ़ नहीं करते हैं, जिसके कारण इस तरह की लेयर्स जम जाती है। या जैसे पराठे आपने तुरंत बनाया, तुरंत अगर आप तवे को साफ़ करते हैं तो इस तरह की कीट सी नहीं जमती है फिर वो। तो देखिए, यहाँ पे बातें करते करते हमारा तवा कितना अच्छा से साफ़ हो गया है, और ये हैंडल में भी आप देख सकते हैं एकदम से मोटी सी लेयर जम चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर हाथ, गीले हाथ पकड़ना, गंदे आटे के हाथ पकड़ना, जिसके कारण इस तरह का जमने लग जाता है धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स, मतलब जिसका भी तवा इस तरह का गंदा हुआ है तो इस वीडियो को देखकर आप साफ़ कीजिएगा, बहुत ही इजीली साफ़ हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काफ़ी इसे निकाल लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है गैस के ऊपर नहीं रखना है, वेस्ट नहीं करना है, तो पहले इसे अच्छी तरह से जलने दें, उसके बाद में एक साइड रख दीजिए, और उसके बाद में आप खुरचिए, आराम से खुरचिए इसको, बट हैंडल को थोड़ा सा नेपकिन से पकड़ कर खुरचिएगा और थोड़ा हाथों को बचा करके। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे तवे की जो ऊपर की लेयर थी ये बहुत अच्छे से निकल चुकी है, और थोड़ी बहुत और रह गई तो उसको भी हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। बैक साइड से आप साफ़ करना चाहते हैं तो इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ में आप थोड़ा सा नाइफ से खुरच सकते हैं, या फिर पलटन जो होता है ना उससे भी आप थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे साफ़ कर लिया है, और इसको अगर आपको और भी ज़्यादा चमकाना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इमली डाल दिया, और अगर आपके पास खटाई नहीं है दूसरी चीज़ों की तो आप इमली से भी डाल करके पानी डालकर साफ़ कर सकते हैं, या नींबू का रस हो तो आप नींबू का रस निचोड़ सकते हैं इसके ऊपर अगर आपको तवे को बहुत ज़्यादा चमकाना है तो। नहीं तो इतनी तो इसकी जो मतलब लेयर्स थी ये अच्छी तरह से निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, गैस को मीडियम कर देना है और थोड़ा सा नींबू घिस देंगे इस तरह से, या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या करें फिर इसमें थोड़ा सा जो विनीगर आता है ना, जो सेट्रिक एसिड, उसको डाल दीजिएगा तवे के ऊपर, और थोड़ा सा पानी डाल करके नींबू की स्लाइस से इस तरह से घुमाते जाइए, तो उससे भी थोड़ा सा इसका जो कालापन है तवे का वो निकल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इमली की खटाई और नींबू का रस डाल दिया है, थोड़ा सा आप चाहे तो इसके ऊपर सर्फ़ डाल दें और अच्छा सा थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाल दिया है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और तवे को नीचे रख करके रगड़ लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मैजिक, आप कुछ से भी साफ़ कर सकते हैं, स्कॉच ब्राइट हो उससे साफ़ करिएगा, जिससे भी आप साफ़ करते हैं बर्तन तो उससे आप कर सकते हैं, बट स्कॉच ब्राइट या फिर जो मैजिक आता है तार जैसे जो रहता है उससे साफ़ करें तो तवा जो है बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे तवा जो है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है, बस इसको थोड़ी सी ताकत हल्की सी स्क्रबर से रगड़ते समय लगेगी, बाकी तो लेयर्स जो जमी थी वो हमने निकाल दिया था। तो इसको आप चाहे तो ताकत से रगड़े या फिर हल्के हाथों से भी रगड़ सकते हैं, जैसा आपका मन करता है। और बैक साइड से भी हम थोड़ा सा रगड़ लेते हैं इसी तरह से। देखिए बैक साइड से भी काफ़ी जला हुआ है और बहुत ज़्यादा घिसा पिटा सा हो गया है तवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड तवा है, वैसे मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए फिर भी मैंने आपको साफ़ करके इसलिए दिखाया फ्रेंड्स कि मुझे थोड़े से कमेंट आए हुए थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो को डाला है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, अगर उनका भी तवा इतना ही जला हुआ है तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, और आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसे और भी कैसे साफ़ कर सकते हैं। देखिए विलेज में क्या करते हैं, एक मतलब ईंट का टुकड़ा ले लेते हैं और ईंट के टुकड़े को हल्का सा चूरा कर लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा कवेलू रहते हैं उसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा दिया को ही तोड़ के मैंने आपको दिखाया, या फिर छोटे छोटे से मटके रहते हैं ना उसको भी आप इस तरह से चूरा कर लीजिएगा, और तवे पे रख करके थोड़ा सा सर्फ या जो भी डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं, या फिर विम बार थोड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिए लगा करके स्क्रबर में, और उससे आप थोड़ा सा रगड़ लीजिए, तो फिर देखिए तवा आपका बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये तो तवा हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा रगड़ लेंगे ना तो ये और थोड़ा सा चमक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तवे को बहुत अच्छे से रगड़ लिया, इसका हैंडल भी आप देख सकते हैं कितना गंदा था, एकदम से मोटी सी लेयर जम गई थी, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, और तवा आप देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी हद तक चमक गया है, आप कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा चमक गया है, क्योंकि पहले तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो लीजिए यहाँ पे हमारा तवा साफ़ हो चुका है, अब इसे अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा, नहीं तो क्या है ना जैसे तवे को साफ़ करते हैं तो हल्का सा जंक टाइप का हो जाता है पानी रहने से, इसको आप थोड़ा सा कपड़े से पोंछ करके रखिए तो आपका जो तवा है ना ये साफ़ रहेगा। तो ये छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा नाइफ से निकाल लीजिए थोड़ा सा, तो और भी साफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपको गैस साफ़ करने का, फैन साफ़ करने का, और बर्नल गैस स्टैंड, तो ये सभी चीज़ों का वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के।